Hey guys, welcome back to YouTube channel. This is your friend Gaurav from Dai. दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आया हूँ फिर से आपको लेके मालवीय नगर कार पॉइंट में. अंकित भी आए हैं. हाँ जी. तो आज हम आपको दिखाने वाले कंपैरिजन वीडियो अंडर सीट में और वूफर में. जैसे कि मुझे काफी सारे लोगों ने जो है बीच में कमेंट्स करे, इनबॉक्स कराए कि मतलब भाई इन दोनों वूफर्स में क्या डिफरेंसेस है. वैसे देख के पता लगता है डिफरेंस क्या है, बट इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना भी बहुत जरूरी है. चलिए मैं आपको आज दोनों वूफर को एक साथ रख के दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या चीज़ है. इस वीडियो में हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं विकास भैया हमेशा की तरह. तो भैया जो हम बताएंगे दोनों वूफर्स में कंपैरिजन और दोनों में कितना टाइमिंग लगता है सब कुछ बताते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. पहले आपको वूफर दिखाते हैं हम जो कि दोनों हमने रखे हुए हैं एक साथ. मस्त भाई ये तो बेस ट्यूब है. जैसा आप जानते हैं JBL के बेस ट्यूब आती है मार्केट में बहुत. अरे हमारा है अंडर सीट वूफर. ये देखिए किस तरह दिखता है भाई, एकदम नया है. इस टाइम पे भारी भी है, बहुत भारी है भाई. बताना भी है इसको अच्छा खासा भैया तो एक ऐसे पकड़ भी नहीं पा रहे इसको, है ना भैया? क्या बोलते, भारी है ना? बहुत भारी, बहुत भारी. और ये साथ में हमको मिली है जो वायरिंग है. इसके अलावा भैया कोई और वायरिंग भी लगती है इसमें? नहीं, इसके अलावा कोई वायरिंग नहीं. कोई वायरिंग नहीं है, बस यही वायरिंग है. छोटी सी वायरिंग होनी है. और अब मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताने वाला हूँ. पहले तो आप देख लो अच्छे से, ये अंडर सीट वूफर है, ये बेस ट्यूब है पूरी. सो अब इन दोनों चीजों में डिफरेंसेस क्या है वो ये है. पहली बात तो देखिए, आप अगर आप वूफर लगवाते हैं अपनी गाड़ी में तो डिग्गी खत्म है, आपका स्पेस ऑलमोस्ट पूरा कवर कंप्लीट कवर हो जाएगा. और अगर आप अंडर सीट लगाते हैं जो कि आपकी सीट के नीचे आया, तो आपको रख के दिखा देता हूँ एक बार कि सीट के नीचे किस तरीके से जो आता है और दिखता है. चलिए एक बार इसको रख के दिखा दो. हम इसको जो है कार की सीट के नीचे आपको रख के दिखा रहे हैं कि कितना स्पेस रहता है और कितना इसमें दिक्कत वगैरह आएगी अगर आप इसको अपनी कार में लगवाते हैं तो. तो इस तरीके से सीट के नीचे लग जाएगा सीट. भैया एक बार सीट पीछे करना. बस सीट के नीचे कवर हो चुका है पूरा. सो इस तरीके से आपकी सीट के नीचे आ जाएगा और जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. वायरिंग भी इसकी लिमिटेड है, कोई ज्यादा वायरिंग इधर उधर से नहीं घूमेगी, ना तो कोई कहीं पे वायरिंग में कट फिट होगा गाड़ी की. और जो है ये कपलर टू कपलर सिस्टम है, सिंपल आपकी कार के सिस्टम से जो है इसको अटैच कर देंगे. और इसमें कोई गाड़ी की वारंटी लैप्स होने का भी कोई सीन शॉट नहीं है. सो ओवरऑल ये आपने देखा अंडर सीट वूफर जो कि सीट के नीचे इजीली आया था, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती. जो अंडर सीट वूफर जो मैंने आपको अभी दिखाया है, इसमें जो एम्प लगा होता है वो इनबिल्ट होता है, राइट? इनबिल्ट एम्प होता है जो वूफर के अंदर ही इनबिल्ट होता है. इसके अंदर कोई वायर कटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट वायरिंग. डायरेक्ट वायरिंग होती है, सीधा अटैच करो और चलाओ. और बात करें बेस ट्यूब की, तो इसके साथ आपको जो है लेना पड़ता है एक एम्पलीफायर जो किसको रन करता है, राइट भैया? इसके अंदर हमको एक एम्पलीफायर लगाना पड़ता है. एम्पलीफायर लगाना पड़ता है, इसके लिए वायरिंग अलग से डालनी पड़ती है. वायरिंग अलग से डालनी पड़ती है, ओके. और इसका ये देखो, ये स्पेस भी काफी हद तक स्पेस ले लेता है. बस इसका अगर ये प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप कहीं घूमने वगैरह जा रहे हैं तो इसको जो है यहाँ से वायरिंग को यहाँ से खोल के इसको हटा दो. बस बात करता हूँ, अपना यूज कर सकते हो. जहाँ पे अंडर सीट की बात करते हैं, जो अंडर सीट है ये अपना आपका ही इसी जगह में रहेगा. आपको उसको हिलाने की भी जरूरत नहीं है, कहीं रखने की जरूरत नहीं है. पता ही नहीं चलता गाड़ी में कहाँ रखा है, बेस क्या रखा है. लेकिन इसकी साउंड बहुत अच्छी है, आई टेल यू. ये मैंने वैसे भी सुना था. अगर आपको अंडर सीट वूफर के बारे में ज़्यादा देखना है तो आप ऊपर एक लिंक आ रहा है, यहाँ कोने पे देखो ये लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक कर सकते हैं. प्लस ये लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो है अंडर सीट वूफर का काम होता है, किस तरह वो अंडर सीट वूफर जो आवाज़ है. बाकी अब अगर बात बताऊँ साउंड की, और अगर आप साउंड बताऊँ, साउंड अगर आपको बहुत ज़्यादा एंड साउंड चाहिए, मतलब कि मतलब हिल जाए पूरी गाड़ी, हिल जाए या आस पड़ोस सब हिल जाए पूरा, तो ये तो भाई यही है JBL, यही चाहिए आपको. और अगर आपको अपनी गाड़ी के अंदर एक डिसेंट बेस चाहिए, मतलब ज्यादा की मतलब गीले गीले भी ना, तो और बहुत क्वालिटी बेस चाहिए, मतलब एक जैसा होता है कि गाना चल रहा है साथ में हल्का फुल्का बेस, जो कि इवन अगर आप फैमिली के साथ भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप उसको सुन सकते हैं, मतलब है ना भैया? हाँ जी. तो मतलब एकदम क्वालिटी बेस होता है उसमें, उसके अंदर डिसेंट बेस जो कि आपके नॉर्मल स्पीकर के साथ ऐड हो जाता है, ये होता है अंडर सीट वूफर. अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, जो जहाँ पे आपको ये अंडर सीट वूफर 4000 का पड़ता है फॉर एग्जांपल, वहीं आपको बेस ट्यूब अराउंड नाना करते हुए 7000 तक की पड़ जाएगी, 7-8 हज़ार, मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा. क्योंकि जो बेस ट्यूब अगर आप लेते हैं उसके बाद आपको जो एक एम्प भी लेना पड़ता है ना भैया, 10 से 12 के बीच में. जहाँ पे आपको जो है आपको अंडर सीट वूफर 4000 का पड़ सकता है, वहीं पे आपको जो है बेस ट्यूब जो है डबल पड़ सकती है, क्योंकि इसके साथ आपको एम्प लेना पड़ता है, वायरिंग करनी पड़ती है, वायरिंग लेनी पड़ती है अलग से, और काफ़ी सारे काम होते हैं ना भैया उसमें तांझाम ज़्यादा होता है. बट अगर आप अंडर सीट की बात करेंगे, वहाँ आपको कुछ काम नहीं करना. ये देखिए इसमें फंक्शन आपको दिखा देता हूँ. देखिए फंक्शन, इसके फंक्शन देख रहे हैं, फंक्शन से सारे जो कि कपलर टू कपलर सिस्टम है, तो कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है.
स्पेस का भी कोई इशू नहीं बचेगा, और इस सीट के नीचे लगा है पता ही नहीं चल रहा, सीट के नीचे लगा है, सीट पीछे होगी दिखेगा भी नहीं, सीट के नीचे लगा है और यहाँ पे कोई इशूज नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि वूफर लगा हुआ है। जब ये थोड़ा बजेगा तो हल्का हल्की फुल्की वाइब्रेशन सीट पे हो सकती है, विच इज नॉर्मल, क्योंकि अगर आप बेस ट्यूब अपनी गाड़ी में लगा रहे हैं तो वो तो पूरी गाड़ी को आपको हिलाती है। अच्छा भैया एक चीज़ और जो यूजुअली लोगों को पता नहीं होती है, अगर वो अपनी गाड़ी में बेस ट्यूब लगवाते हैं तो डैम्पिंग भी करानी चाहिए गेट पे? डैम्पिंग उसके लिए कंपोनेंट स्पीकर लगाते हो तो डैम्पिंग करानी जरूरी है। ओके, अगर आप कंपोनेंट स्पीकर लगाते हो, वूफर लगाते हो डिग्गी में, डैम्पिंग करानी पड़ती है। अगर आप वूफर अपनी गाड़ी में लगवाते हैं तो डिग्गी की आप डैम्पिंग जरूर करवाएं। डैम्पिंग में एक्चुअली होता है कि अगर आप डिग्गी पे अपना वूफर लगवाते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, कुछ टाइम बाद आपके जो अंदर की चीजें वो हिलने लग जाती है, क्योंकि बेस से हिलता है, उसके बाद क्या होता है एंड में वो लूज हो जाती है। इसके लिए उसमें डैम्पिंग होती है, पूरी सिल्वर कलर की शील्ड चलती है, जिससे कि आपकी गाड़ी के अंदर की वायरिंग और जो चीजें हैं वो अंदर वो की टिल्ट की टिल्ट रहे, हिले डुले ना, वाइब्रेशन ना करे, भर भर ना करे, आवाज़ करती है बहुत, वो चीज़ें जो है इसमें ना हो। सो बाहर तो हो गई है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी, 46 अराउंड आराम से टेम्परेचर हो चुका है दिल्ली में, इतनी गर्मी में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, और भैया को देखो काम कर रहे। सो ओवरऑल वीडियो आज का यही था, जिसमें कि मैंने आपको कंपैरिजन बनाया दोनों चीज़ों का, कि दोनों का एक्सपेंसेस में कितना डिफरेंसेस है, टाइम में कितना डिफरेंस है, सॉल्यूशन में कितना है, दोनों में कितना डिफरेंस आता है, मतलब वायरिंग को लेके हो गया, या दोनों में कंपैरिजन बताया कि दोनों के बेस में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि अगर आप वूफर लगवाते तो आपकी गाड़ी में जो है वो एक ऐसा बेस देगा जो कि आपको दूर से भी सुनाई देगा। आपने यू नहीं देखा होगा गाड़ियों में वूफर लगे हुए दूर से सुनाई देते हैं बजते हुए, तो वो चीज़ वही वूफर है जो JBL बड़ा वाला रखा है, जिसके साथ आपको एक एम्पलीफायर अलग से लेना पड़ेगा और एक वायरिंग किट परचेज करनी पड़ेगी। वायरिंग किट मैं आपको दिखा देता हूँ, किस कुछ वायरिंग किट कुछ ऐसे नज़र आती है, इस तरीके से जो है नज़र आती है, तो ये चीज़ें नॉर्मल है जो आपको जो कि आपको उसके साथ परचेज करनी पड़ती है। बट अंडर सीट के साथ आपको बस यही प्लस पॉइंट है कि आपको जो है ना एम्प खरीदना है ना वायरिंग खरीदनी है, सिंपल उठा के अपनी गाड़ी में लगाना है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है। तो दोस्तों ये था ब्लॉग जिसमें कि हमने आपको दिखाया कि आप अंडर सीट और बेस ट्यूब में किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो, और अगर इसमें से आपको कोई चीज़ परचेज करनी है या कुछ भी आपको रिसेंट कोई भी क्वेरीज है तो भैया से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इसका ये डिटेल्स आ रही है नीचे, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हो, भैया को किसी भी टाइम कॉल कर लेना, डिटेल्स पूछनी है रिगार्डिंग प्राइस जो भी पूछना है सब कुछ पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर यूजफुल लगे तो कुछ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करा मेरे चैनल का, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन नहीं दबाओगे तो अगली नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और जो कि अगली वीडियोस आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाली कंटिन्यूस। चलो।